येसु, प्रभु येसु का प्यार एवं शांति आप सबों के दिल में सदा बने रहे। आज आपसे एक सवाल, जिंदगी में डरते हो? बहुत कोई बोलते हैं, लोगों के सामने आकर कुछ बोलने के लिए डर लगता है, नर्वस हो जाते हैं, बहुत कुछ याद करके आते हैं, लेकिन लोगों के सामने आते ही मैं डर जाती हूं, अपना व्यू लोगों के सामने खड़े होकर बोलने के लिए नहीं सक रहे हैं। वैसे लोगों के लिए आज प्रभु बहुत ही सुंदर वचन दे रहे हैं, इसे इस नबी के द्वारा अध्याय 41 पद संख्या 10, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं अपनी विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। भाई और बहनों, ये वचन मेरे जीवन में भी मांस बना है। 2010 में प्रभु जब मेरा नाम बुलाया गया ईश्वर वचन की सेवा के लिए, एक पुरोहित के द्वारा अनाउंस किया था, 4 महीने तक मेरे जिंदगी में बहुत ही आंधी तूफान था। मैं ये सोच रही थी कि मैं किस प्रकार कैसे लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु का वचन बोल सकूंगी, क्योंकि मेरा हालत ऐसे था, लोगों के सामने आकर कुछ बोलने के लिए आते हैं तो मैं भूल जाती थी, हम कुछ भी याद करके कुछ नहीं बोल सकते थे। लेकिन 4 महीने के बाद मुझे एक अवसर मिला प्रभु का वचन सुनने के लिए, और इवेंजलाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे एक वचन प्रभु ने दिया। फादर हम लोगों को वचन की रोजरी माला सिखा रहे थे, उसमें पहला वचन था, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं अपनी विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्रभु मुझे इतनी गहराई में स्पर्श किया कि प्रभु मुझसे कहते हैं डरो मत। अगर प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं क्यों डरूं? अगर वो शक्ति देता है तो मैं दुर्बल कैसे हो सकते हैं? ये वचन मुझे बदल डाला लोगों के सामने खड़े होकर वचन बोलने के लिए, हजारों लोगों के सामने प्रभु के साक्षी बनने के लिए प्रभु मुझे धीरज दिया। प्रभु और भी कहते हैं जोशुआ के अध्याय द्वारा अध्याय 1 पद संख्या 9 इस प्रकार है, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें जब लगता है तुम अकेले हैं तब तुम डरते हो। तुम ये विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं, जो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु का वचन सत्य है, वो जो बोलेगा वो करेगा। आपसे एक सवाल मैं पूछती हूं, जब आप घर में हैं, पापा मम्मी अलग रूम में सोते हैं, आप अलग रूम में सोते हैं, लेकिन आप डरते नहीं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं या जानते हैं आपका पापा मम्मी अलग रूम में है। आप देखते नहीं लेकिन आप जानते हैं। लेकिन जब पापा मम्मी एक दिन बाहर गए, वापस नहीं आ पाए, तो भी आप देखते नहीं लेकिन आप जानते हैं आपके पापा मम्मी घर में नहीं है, तब आप डरने लगता है। भाई और बहनों, क्यों हम विश्वास नहीं कर सकते कि जो प्रभु कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो प्रभु सदा हमारे साथ रहता है। मुझे एक बार प्रभु इस तरह समझाए
जिस तरह मछली पानी में चलते हैं उसी तरह हम मनुष्य प्रभु में चलते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं। आइए भाई और बहनों, हमारा प्रभु जो हमारे साथ रहेंगे, साथ रहता है, उस प्रभु पर हम विश्वास करें। ऐसा कोई नहीं, कोई जगह नहीं है जहां प्रभु नहीं है। प्रभु सदा हमारे साथ रहते हैं। तो प्रभु हमारे पक्ष में है तो कौन हमारा विरुद्ध कर सकता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का अध्याय 8 पद संख्या 31 ये वचन है, अगर ईश्वर हमारे पक्ष में है, ईश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारा विरुद्ध कर सकता है। आइए भाई और बहनों, हम प्रभु का वचन में विश्वास करें और धीरज बने। जय यीशु।